हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज जब मैं क्लास ले रहा था तो उस समय सुबह में कुकीज का टॉपिक आया था। कुकीज क्या होता है, बहुत बच्चे परेशान थे मेरे स्कूल के, तो आपको भी शायद इससे दिक्कत होती हो, कुकीज क्या होता है, किस तरह की चीज होती है और ये कैसे आपको डिस्टर्ब कर सकती है। तो आइए चलिए इसी की बात करेंगे। तो देखिए, कुकीज जो होता है ना, जो भी आप ब्राउजर यूज करते हैं तो उस ब्राउजर में दो ऑप्शन होते हैं बाय डिफॉल्ट। जब आप ब्राउजर जैसे लाइक गूगल क्रोम सबसे पॉपुलर है, तो अगर मैं इसे डाउनलोड करता हूं तो उसमें कुकीज का ऑप्शन होता है पहले से। अब ये ऑप्शन कहां होता है अभी दिखाता हूं, उससे पहले ये जान लीजिए ये कुकीज होता क्या और करता क्या है। अब इसी के अंदर ये कुकीज ऑप्शन आपको मिल जाएगा, इसके सेटिंग में जाना पड़ेगा, वहां पे कुकीज ऑप्शन मिलेगा। करेगा क्या ये, देखिए कुकीज को इनेबल करना और डिसेबल करना दोनों ही में कुछ फायदे हैं, ठीक है, और मेरे हिसाब से तो डिसेबल करने में ज्यादा फायदे हैं। तो इनेबल करने में क्या फायदे हैं, देखिए तीन पार्टीज होती है, एक होती है फर्स्ट पार्टी, दूसरी सेकंड पार्टी और तीसरी होती है थर्ड पार्टी। अब ये तीनों पार्टीज होती क्या है, देखिए फर्स्ट पार्टी जो होती है जिसके वेबसाइट पे, जिसके लाइक सर्च इंजन है, वेबसाइट है कोई भी, तो उस वेबसाइट पर आप विजिट कर रहे हैं तो जिसकी वेबसाइट है उसे हम कहते हैं फर्स्ट पार्टी, और जो विजिट कर रहा है वो हो जाएगा सेकंड पार्टी, और थर्ड पार्टी वो होता है जिसपे एड देता है, यानी कि कोई पॉपअप वगैरह निकल के आते रहते हैं कि बीमा करवा लीजिए, 5000 का इनाम जीतिए, तो वो सब एड जो चलते हैं ना वो थर्ड पार्टी वाले होते हैं। तो थर्ड पार्टी को हमें डिसेबल करना है कि वो एड ना चले, वो एड नुकसान पहुंचाते हैं, क्लिक क्लिक कर देंगे और आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन डिटेल वो ले लेगा, तो वो चोरी करके और फिर आपका नुकसान भी कर सकता है, ठीक है। तो कुकीज जो है इस तरह से आपकी चीजों को स्टोर कर लेता है, जो आप सर्च करेंगे उन चीजों को स्टोर कर लेता है और फिर आप उसको फर्दर यूज के लिए आपको दे देता है। तो इस तरीके से फायदेमंद भी है। नुकसान कैसे है कि पर्सनल डिटेल्स चोरी हो सकती हैं उससे, भाई आपने पेमेंट किया, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया, पेमेंट किया तो कुकीज में जाके स्टोर हो जाता है, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कुकीज होता कहाँ है। तो ये देखिए गूगल क्रोम है ना, यहाँ से ये थ्री डॉट्स दिख रही है आपको, क्लिक कीजिए यहाँ पर और यहाँ से आना है आपको सेटिंग पर। सेटिंग कहाँ है, ये नीचे सेटिंग दिख जाएगी आपको। सेटिंग पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये सेटिंग ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब ये सेटिंग आपको दिख रही है, अब यहाँ पर हमें नीचे आना है, ठीक है। लाइक यहाँ पे देख सकते हैं नीचे इस तरीके से, तो यहाँ पे जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ पे और नीचे आइए और नीचे आइए। अब यहाँ पे देख सकते हैं कुकीज एंड अदर साइट्स थर्ड पार्टी और तमाम चीजें यहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, तीन ऑप्शन एक्चुअली दिखाई पड़ रहे हैं। पहला ऑप्शन है अलाउ ऑल कुकीज, ठीक है, और यहाँ है ब्लॉक थर्ड पार्टी कुकीज इन इनकॉग्निटो। इनकॉग्निटो एक मोड होता है जिस मोड में आप चला सकते हैं, और यहाँ देखिए ये जो है ब्लॉक थर्ड पार्टी कुकीज, ब्लॉक ऑल कुकीज नॉट रिकमेंडेड, ठीक है। तो यहां पर मेरे में थर्ड पार्टी कुकीज इन इनकॉग्निटो, ब्लॉक ऑल, ब्लॉक थर्ड पार्टी कुकीज इन इनकॉग्निटो, इस पे मैंने टिक कर रखा है। अगर हम सभी थर्ड पार्टीज को ब्लॉक करना चाहते हैं तो यहां से ब्लॉक ऑल कुकीज, मतलब पूरे कुकीज को ब्लॉक कर देंगे। और यहाँ पे देखिए थर्ड पार्टी को अगर ब्लॉक करना चाहते हैं, अच्छा इनकॉग्निटो एक मोड होता है, मैंने आपको पहले ही बताया, अगर इनकॉग्निटो मोड में ब्लॉक करना चाहते हैं तो उस पे मैंने टिक कर रखा था, लेकिन अब मैं क्या करता हूँ थर्ड पार्टी को ब्लॉक कर देता हूँ। थर्ड पार्टी यानी एडवर्ट जो आता है वो नहीं चलेगा, और अगर इस पे क्लिक कर देंगे लाइक ये जो लास्ट वाला था यहाँ पे ब्लॉक ऑल कुकीज पे क्लिक कर देंगे तो सारे एड्स सारी चीजें बंद हो जाएंगी और फिर आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन चोरी होने से रही, लेकिन जो डाटा आपका स्टोर होता है वो स्टोर नहीं होगा फिर, तो ये प्रॉब्लम होती है। तो यहां मैं ब्लॉक थर्ड पार्टी कुकीज पे टिक कर देता हूं और इसको यहीं पे इतना ही रहने देता हूं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात आपके समझ में आई होगी कि ये थर्ड पार्टी कुकीज होती क्या है और इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और इनेबल रखना है कि डिसेबल रखना है, आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।